गाइस मैं हूँ फिलहाल अभी प्राची तीर्थ पे और आज मुझे घर से निकले हो कुछ 63 दिन हो गए 63 डेज हो गए हैं। प्राची तीर्थ पे हूँ जो कि माना जाता है, ये मतलब कहा जाता है कि 100 बार काशी एक बार प्राची। देखो मैं दिखाता हूँ, ये पीपल का पेड़ है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी अभी जस्ट, क्योंकि ये महाराज युधिष्ठिर ने लगाया था। ये सरस्वती नदी है, इसके सामने इधर समुद्र है, बट ये सरस्वती नदी इधर साइड जा रही है। और ये यहाँ पे पूरे मंदिर है, इसकी सारी जानकारी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ होता है वो आपको सब गुरुजी बताएंगे। गाइस गुरुजी ने जय श्री राम, जय नारायण गुरुजी, गुरुजी ने सारी मेरी पूजा करा दी है। और ये देखो, ये वो मोक्ष पीपल है जो कि मैं तो ठीक है पर गुरुजी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। गुरुजी थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में कि ये कौन सा है, किसने लगाया था। जो पीपल वृक्ष से लगभग 5 से 5,500 साल पहले अप्रोक्सीमेट धर्मराज युधिष्ठिर ने लगाया था। जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ तब पांडवों को अपने वंश को मारने का, गोत्र हत्या का पाप लगा। उस पाप से निवारण करने के लिए विष्णु परमात्मा के पास गए कि प्रभु युद्ध में हमने तो हस्तिनापुर का राज्य जीत लिया, मगर जिनको मार के हम जीते हैं वो तो सब हमारे परिवार के वंश के गोत्र है, तो हमें गोत्र हत्या का पाप लगा, तो इस पाप से हमें निवारण मिले। और जिनको मार के हमने हस्तिनापुर का राज्य जीता है वो सब हमारे पूर्वज है, तो उनको सदगति और मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें उचित रास्ता बताइए। क्योंकि हम दो, ये महाभारत का युद्ध करके हम दो कार्य में फंसे हुए हैं, एक तो हमारे वंश को मारने का गोत्र हत्या का पाप और पूर्वजों को मारने का पाप। जो पूर्वजों को मारे वो उनको मोक्ष न मिले तब तक हम हस्तिनापुर का राज्य में बैठे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद न मिले तब तक हम वहाँ सुखचैन से बैठ नहीं पाएंगे, तो ऐसा उचित रास्ता बताइए जिससे हमारे समस्त पूर्वजों को मोक्ष मिले और हमें गोत्र हत्या के पाप से निवारण मिले। तो विष्णु परमात्मा ने पांडवों को काले तिल का मुट्ठी भर के दिया धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में और बोले भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों की यात्रा करो और जिस तीर्थ के नदी में आप स्नान करो उसमें तिल को भी साथ में नहलाना और सफ़ेद हो जाए तो आपने समझना कि आपके गोत्र हत्या का पाप का निवारण हो गया। उस नदी के दक्षिण भाग में अपने हाथों से पीपल का पौधा लगाना, उसको बड़ा करना, पेड़ बनाना, और जिनको जिनको महाभारत के युद्ध में मारे हो उनका नाम लेके एक एक कलश जल अर्पण करना। तो मैं विष्णु स्वरूप पीपल के अंदर पूजा जाता हूँ, मेरा वास पीपल के अंदर है। आप जिनका नाम लेके कलश चढ़ाओगे मैं उनको मोक्ष और सदगति प्रदान करूँगा, ऐसा विष्णु परमात्मा ने वचन दिया। पाँचों भाई कुंती माता द्रौपदी जी भारतवर्ष की पवित्र तीर्थों की यात्रा पर निकले, जिस नदी में खुद स्नान करे कृष्ण भगवान के हुए तिल को नहलाए, मगर काले के काले रहे तो आगे वाले तीर्थ में आगे बढ़े। ऐसे हर तीर्थों में घूमते घूमते गया, काशी, गोकुल, मथुरा, हरिद्वार, पुष्कर, सारे तीर्थों की यात्रा करते हुए हर एक नदियों में स्नान करते हुए इस प्रभास क्षेत्र में आए तब तक वो तिल है वो काले के काले ही रहे। ये जो यहाँ पर नदी है पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी है, अब तो थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा जूम करके दिखाने के लिए, तो भाई आप बाद में उनको दिखा बाद में दिखा दूंगा, पहले आपको इतिहास बता देता हूँ। जो पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी है, जो नदी का श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में 8वें स्कंद चौथा श्लोक है कि जो कोई मनुष्य मात्र इसमें स्नान करे तो उसके रोग दोष पाप सब जल के खत्म हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो इसमें खाली स्नान मात्र करने से हमारे सारे रोग दोष पाप जो कर्म हमने अपने कर्मों के द्वारा जो पाप अर्जित किए हैं वो सब नाश हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। तो पांडव जब यहाँ पे आके इसमें स्नान करके विष्णु परमात्मा ने दिए हुए तिल को नहलाया जो यहाँ पे सफ़ेद हो गए, तो पांडवों के गोत्र हत्या का पाप का निवारण हुआ इस पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में स्नान करके। और धर्मराज युधिष्ठिर ने पीपल का पौधा लगाया, शरीर में से योग और तप का बल अर्पण करके पीपल को उसी समय पेड़ बना दिया। पहला जल कुंती माता द्रौपदी जी पांचों भाइयों ने जल अर्पण करके महाभारत के युद्ध में जिनको जिनको मारे थे उनका नाम लेकर के एक एक कलश जल अर्पण किया, उनको मोक्ष दिया और इस पीपल वृक्ष को वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी अपनी धरा पे अपनी कक्षा पे घूमती रहेगी तब तक यहाँ पीपल वृक्ष रहेगा। जो कोई भी मनुष्य यहाँ पे आके अपने पूर्वजों के निमित्त से जल अर्पण करेगा उनका समस्त पूर्वजों को सदगति और मोक्ष विष्णु परमात्मा देंगे, ऐसा यहाँ पे कृष्ण भगवान ने वरदान दिया हुआ है द्वापर युग के अंत समय में। और जो रामावतार में वाली को वचन दिया था वो कृष्ण अवतार में यहाँ पे प्राची के पीपल के नीचे विष्णु गए तुम्हारे प्राण,
जो ये पीपल के नीचे जो रामा अवतार में वाली था वो कृष्ण अवतार में जरा नाम का पारधी बना। तो कृष्ण भगवान इस पीपल के नीचे अपने यादव कुल को मोक्ष देके यादव कुल के निमित्त से कपिल मुनि ऋषि के हाथों से इस पीपल के नीचे ही समस्त पितृ श्राद्ध विष्णु परमात्मा ने करवाया है कपिल मुनि ऋषि के हाथों से। और उस श्राद्ध को नारायण बलि श्राद्ध कहा जाता है क्योंकि नारायण परमात्मा विष्णु भगवान ने पहला समस्त पितृ श्राद्ध किया इसलिए उस श्राद्ध को नारायण बलि समस्त पितृ श्राद्ध। समस्त पितृ श्राद्ध का मतलब है आपका परिवार, आपके नाना नानी का परिवार, आपके ससुराल का परिवार, समस्त पूर्वजों के निमित्त से श्राद्ध होता है। कोई तीर्थ में जाओ गया जी काशी कहीं भी कहीं मातृ निमित्त से माता जी के निमित्त से होता है, कोई तीर्थ में होता है पिताजी के निमित्त से, मगर इस प्राचीन तीर्थ में समस्त पितृ श्राद्ध करने का महत्व है क्योंकि विष्णु परमात्मा ने समस्त पितृ श्राद्ध कपिल मुनि ऋषि के हाथों से लगभग 5,500 साल पहले इस तीर्थ में किया था इसलिए उसको नारायण बलि श्राद्ध कहा जाता है। तो ये है प्राचीन तीर्थ का महत्व। और आप यहाँ पे आओ तो भाई हमारा सारा एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह दे देगा जी, जो किसी को भी आवश्यकता हो जरूरत हो आने की हमारी धर्मशाला वगैरह भी है, रहने का व्यवस्था भी हो जाएगा, भोजन का भी व्यवस्था हो जाएगा, आप फोन से बात करिए सिर्फ। धन्यवाद, जय नारायण परशुराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद गुरु जी। और देखो गाइस ये रहा जो पीपल का पेड़ है जो कि महाराज युधिष्ठिर ने लगाया था, ये देखो बहुत बड़ा ही है ऊपर, मतलब इसके टीन सेट हो गया, मतलब इसके ऊपर है बहुत बड़ा ही है। और जो सरस्वती नदी है जो कि मतलब देखो समुद्र इस साइड है ना, और वो समुद्र से इस साइड आ रही है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, नदी के दर्शन कराता हूँ, ये देखो ये रही, अब समुद्र इस साइड है, समुद्र इस साइड है और नदी इस साइड जा रही है। इसी में पांडवों ने पहले सबसे पहले स्नान किया था और इसी में उनके तिल सफ़ेद हुए थे। तो जैसा ही गुरुजी ने सब बताया आपको, ये रहा पूरा का पूरा तीर्थ है यहाँ पे प्राची। और यहाँ पे मैंने एक और ये भी सुना था कि 100 बार काशी एक बार प्राची। तो ये देखो भाई यहाँ पे हो गया पूरा प्रतिरोध, ये रहा वो पीपल का पेड़ जो कि महाराज युधिष्ठिर ने लगाया था यहाँ पे, देखिए आपने। अब ये यहाँ पे स्नान करने की जगह है कि यहाँ पे एक बार कोई स्नान कर लेता बस हो जाता उसका कल्याण। तो भाई मैं स्नान करके तो निकल चुका हूँ घर से, भैया थोड़ा बहुत जल वगैरह मैं अपने ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारे हो गए, मंदिर भी अच्छे हैं भाई यहाँ पे। और हाँ गुरुजी का कार्ड, एक सेकंड रुको, गुरुजी की इन्फॉर्मेशन और गुरुजी का कार्ड, ये देखो भाई अगर किसी को भी आना हो यहाँ से जैसे सोमनाथ आए, तो अपने पितरों को श्राद्ध से मुक्त कराने के लिए सबको, ये देखो भाई ये यहाँ पे गुरुजी का नंबर है, ये सारी ऊपर जो जो श्राद्ध होते हैं वो सब है यहाँ पे। और ये कार्ड रहा आपकी रुकने की खाने की और सारी व्यवस्था हो जाएगी आपकी, रहने की खाने की धर्मशाला सब, बस सिर्फ आपको इस कॉल पे इस नंबर पे कॉल करना है और सारा हिंदी में लिखा आप सब लोग पढ़ लीजिएगा इसको वो पॉज करके। तो भाई ये देखिए ये तो हो गया और ये सारे मैंने दर्शन कराए दिए यहाँ पे, मैंने भी कर लिए हैं। अब यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा सोमनाथ के लिए जो कि 24 या 25 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ से सीधा मैंने 29 किलोमीटर सोमनाथ बचा हुआ है जो कि मेरा एक ज्योतिर्लिंग और हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पे सब लोग दर्शन कर लिए, गुरुजी से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए, सारी की सारी जानकारी ले लिए, तो अब चलेंगे यहाँ से सीधा सोमनाथ के लिए। तो गाइज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन गुरुजी के उससे बता दिए, गुरुजी का कार्ड भी दे दिया है, अब चलते हैं यहाँ से सीधा अपन सोमनाथ के लिए। मैं निकलता हूँ सोमनाथ के लिए, आप लोगों से मिलते हैं आगे सोमनाथ में। जय श्री राम।